एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एट होम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। सो आज के इस वीडियो में हम ये आई लुक क्रिएट करने वाले हैं जो कि ऑनेस्टली 5 to 7 minutes से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा क्रिएट करने में। दिस इज़ अ रियली वेरी लवली आई लुक विच कैन बी क्रिएटेड इन अ जिफी। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 7 minutes टू क्रिएट दिस आई लुक और लेट्स मूव फर्दर एंड क्रिएट दिस लुक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए सो दैट मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो लेट्स मूव फर्दर एंड क्रिएट दिस लुक। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपेयरिंग द स्किन। ममा अर्थ का मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं अपने फेस पर लगा के अच्छे से फेस की मैं मसाज करूँगी और अपने स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। और मॉइस्चराइज करने के लिए गुड वाइब्स का मैं सैफ्रन क्रीम यूज़ करूँगी और प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे शुगर का, जिससे मेरे फेस पे बहुत अच्छा एक बेस क्रिएट हो जाएगा मेकअप के लिए। इसके बाद मैं मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन लगाऊंगी और ब्रश की मदद से उसको स्प्रेड करूँगी और स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर यूज़ करके मैं आईब्रोज़ को अपने डिफाइन करूँगी बहुत अच्छे से। प्रिसाइसली मुझे वहाँ पे अपनी आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे लाइन बनाकर उसको अंदर से उसको फिल करना है और स्पूली ब्रश से उसको मैं सेट कर लूँगी। आप सी द आईब्रोज़ आर रेडी। सो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट का एंड एक कंसीलर ब्रश लेके मैं अपने आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे इस कंसीलर को लगाऊंगी सो दैट बहुत ही एक डिफाइंड क्लियर क्रिस्प लुक आएगा इससे। सो कंसीलर लगाने के बाद मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस। सो नाउ आई एम यूजिंग अ लाइटर शेड कंसीलर टू हाईलाइट माई आईज़ और जो भी मुझे डार्क एरियाज कवर करने अपने फेस पे उसको मैं करूँगी। सो मैं आईज़ के ऊपर आसपास लगा रही हूँ, देन फोरहेड पे लगा रही हूँ, नोज़ पे, अपने चीक्स के आसपास, सो दैट मैं एक बहुत अच्छे शेप दे सकूँ फेस को और एक स्पंज की हेल्प से मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड करूँगी और स्किन के अंदर पुश करूँगी। मैं स्प्रेड नहीं करूँगी, ड्रैग नहीं करूँगी। सो ये करने के बाद बहुत अच्छे से मेरे फेस पे अब ये सेट हो चुका है और इसके बाद यू कैन सी अब मैं अपने आईज़ को भी अच्छे से बेस क्रिएट करने के लिए एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी है, जिससे बहुत अच्छा लुक आएगा। और शुगर का मैं ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ टू सेट कंसीलर, जिससे मेरा कंसीलर है वो क्रीज आउट नहीं हो। सो एज यू कैन सी जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था मैं वहाँ वहाँ इसको लगा रही हूँ और एक रेवोल्यूशन का पैलेट ले रही हूँ और उसमें लाइटेस्ट शेड लेके मैं एक ट्रांजिशन शेड की तरह उसको यूज़ करके अपनी मैं ट्रांजिशन शेड अपनी आई लिप पे लगाऊंगी और बहुत अच्छे से इसको मैं स्प्रेड करूँगी। आई विल ब्लेंड इट नाइसली विद अ ब्लेंडिंग ब्रश। और उसके बाद ब्लू हेवन का मैं ब्लू कलर का काजल ले रही हूँ जो कि मैं बहुत ही अनइवनली अपने आईलिड पे लगाऊंगी और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी अपनी पूरी आईलिड पर। आई विल जस्ट स्प्रेड इट नाइसली एंड एज यू कैन सी और दूसरी आईलिड पर भी मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद वही ट्रांजिशन शेड लेके मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इन दोनों को आपस में मिक्स करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सो दैट अलग अलग लुक नहीं आए, वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएं। स्विस ब्यूटी का मैंने लिक्विड अपना आई शेडो लिया है, उसमें एक ब्लैक शेड है जिसमें सिल्वर ग्लिटर्स हैं उसको मैं अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड एंड विल डेफिनेटली गिव अ लवली लुक टू दी मेकअप और ये बहुत ही ईजिली लग जाता है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। एंड आई एम यूजिंग फेसेस आईलाइनर। इस आईलाइनर को मैं अच्छे से अपनी आईज़ पे लगाऊंगी। उसके बाद मैं अगेन वही ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश के ऊपर और अपने लोअर यू नो वाटर लाइन के नीचे मैं इसको लगा रही हूँ और एक ब्लू काजल जो मैंने पहले लिया था उसी से मैं अपने आईज़ को नीचे वाटर लाइन पर लगाऊंगी इसको। सो बहुत अच्छे से मैंने इसको लगा लिया दोनों आईज़ पे और फेसेस का ही मैंने मस्कारा लिया है और 2 coats मैंने इसको लगा लिए हैं। लोअर लैशेस पे भी इसके बाद आप अपने मस्कारा को लगा सकते हैं। फिर एले कलर का मैंने एक पैलेट लिया है, इसमें से मैंने जो ब्रॉन्जर लिया है उसको मैं लगा रही हूँ। सो आई एम नॉट कंटूरिंग माई फेस, आई एम जस्ट यूजिंग द ब्रॉन्जर और एक स्टिक ब्लश लेके मैंने इसको लगाया है। ये स्टिक ब्लश फेसेस का है और एक स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और हाइलाइटर अगेन मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है, इट्स अ लिक्विड हाइलाइटर और इसको मैं लगा के जो भी हाई पॉइंट्स हैं मुझे नोज़ पे और नोज़ बोन पे, फोरहेड पे, चिन पे मैं इसको लगा के फिंगर से ही बहुत हल्के हाथों से इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद एक मैं स्विस ब्यूटी का ही लाइनर ले रही हूँ विच इज़ अ लिप लाइनर, उसको लगा के मैं अच्छे से लिप्स को डिफाइन करके मैं लिप कलर फिल कर रही हूँ। सो आई विल मेंशन ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक
लिप ग्लॉस लेके बहुत हल्के से उसको लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। वही मैंने लिक्विड हाइलाइटर लिया है जिसको मैं इनर कॉर्नर ऑफ द आईज़ पर लगा रही हूँ, उसको मैं हाईलाइट करूँगी, और अंडर माई आईब्रोज उसको भी मैं वहाँ पर भी इसको हाईलाइट करूँगी। नाउ द लुक इज़ रेडी। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड या माइनस लगता है होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि और बेटर हो सकता था, या हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आगे आप क्या देखना चाहते हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिक ट्यूटोरियल, या फिर आप कोई हेयर केयर से रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन चाहते हैं, उसका कोई वीडियो चाहते हैं, जो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो लेट्स मीट फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।